हाय एवरीवन वेलकम टू जे केमिस्ट्री सो गैस जैसे कि आपको पता है सी एस आई आर नेट एग्ज़ाम की डेट्स आउट हो चुकी है ऑलरेडी अगर बात करते हैं केमिकल साइंसेज के एग्ज़ाम है एटीन सितंबर को तो ऐसे वाले केसेस में ना जब एग्जाम बहुत पास होता है तो ऐसे वाले मेल्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है बहुत मेल्स ऐसे देखने को मिलते हैं तो इस बार मैंने सोचा है कि आ, जो ऐसे वाले मेल्स हैं ना वैसे रिप्लाई में करती हूँ बट इस बार मैं सोच रही हूँ जो कॉमन मेल्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर एक स्टूडेंट इस टाइम पे फेस कर रहा होगा उसको ना हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे जिसका नाम मैंने रखा है डियर मैम अब रीज़न ये है क्योंकि आप मेल भेजते हैं आपके मेल की स्टार्टिंग डियर मैम से ही होती है तो सीरीज़ का नाम ये डियर मैम ठीक है तो ऐसे वाले जो प्रॉब्लम्स होंगी जो बहुत कॉमन है ऑलमोस्ट सब फेस कर रहे होंगे उनको हम इस वाली सीरीज में कवर करने का ट्राई करेंगे नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे लास्ट में आपको भी नया नहीं पढ़ना है ठीक है इस वाली सीरीज़ का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि लास्ट के जो अराउंड टेन डेज बचे हुए हैं इसमें आप अच्छे से रिविजन करें कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें टाइम वेस्ट ना करें और लास्ट में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे एकदम कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देने जाएं ठीक है तो जो ये वाली प्रॉब्लम्स हैं ना आप सिर्फ मेरी एक चीज़ समझो ऐसे वाली प्रॉब्लम्स सारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं बहुत कॉमन है आपके साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है तो ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी इन बातों की ठीक है अगर हम इस वाले मेल की बात करते हैं मैंने पर्सनल डिटेल्स सारी हटा दिए सिर्फ इसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं जो आप कहना चाहते थे उसको कुछ कुछ पॉइंट्स लिए बट हाँ पर्सनल डिटेल्स नहीं है प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी इसको रीड करने से ठीक है तो यहाँ पर ये मेल जिस स्टूडेंट ने किया है ही इज़ सेंग डियर मैम आई वॉज स्टडिंग वेरी वेल बिफोर द डेट्स ऑफ नेटवर अनाउंस्ड बट नाउ सिंस आई नो एग्जाम इज ऑन एटीन सेप्टेम्बर आई एम ओनली काउंटिंग डेज लेफ्ट मुझे लग रहा है मैं सब कुछ भूल रहा हूँ ऐसा लग रहा है जितना पढ़ा था सब वेस्ट मैं इस बार भी जे आर एफ नहीं कर पाऊंगा मैंने रिवाइज़ करना स्टार्ट किया लेकिन जैसे ही लेक्चर रिवाइज कर रहा हूँ तो लग रहा है पेरीसाइकिलिंग रिएक्शंस के मैकेनिज्म भूल गया हूँ मैम ऐसे रिवीजन भी नहीं हो पा रही है बहुत कम दिन बचे हैं क्या करूँ मैम प्लीज़ हेल्प मी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई देखो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हैं लेकिन लास्ट में आके क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और इस टाइम पे जब सब कुछ आपके माइंड में एकदम फ्रेश होना चाहिए था आपको लग रहा है भूल रहे हैं चीज़ें तो ये वाली चीज़ें बहुत कॉमन है और इनका सोल्यूशन सिर्फ़ एक ही आपको रिविजन करनी है और ये वाली बात भी पक्की है रिवाइज़ करने के बाद भी ना आपको लगता रहेगा कि शायद मैं वो वाला फॉर्मूला भूल गया और ये होता ही रहेगा एग्जाम चाहे कितना भी दूर हो आपको ये हमेशा लगता ही रहेगा कि ये वाला फॉर्मूला भूल गया क्योंकि ऑब्वियस बात है आपका जो ब्रेन है वो कंप्यूटर तो है नहीं किसी भी एक बटन क्लिक करना है और सारे वो जितने आपके नोट्स से लेट्स से पैसे एक रिएक्शन के सारे आपके सामने खुल गए और फिर आप देख लो कौन से वाला कौन सा आपको देखना है ऐसा तो नहीं है आपको सोचना पड़ता है और ये भी ऑब्वियस बात है कि आप कितनी बार भी रिवाइज करें अपनी नोट्स को लाइन से तो एकदम रिटेन नहीं कर सकते ना अपने माइंड में आप तभी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे जब कोई क्वेश्चन देखेंगे तो अभी जब आप सोच रहे हैं कि आप सब कुछ भूल रहे हैं तो आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं है आपको नहीं पता मुझे कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पर खत्म करना है आप उस पूरे चैप्टर को एक साथ देख रहे हो कि मुझे तो याद ही नहीं है चैप्टर मैं तो शायद ये वाला फॉर्मूला भूल गया वो वाला भूल गया है ना तो जैसे एक क्वेश्चन आएगा आपको पता है क्वेश्चन में लिमिटेड चीज़ें पूछते हैं तो क्वेश्चन देखने के बाद आप बता पाएंगे अच्छा ठीक है ये वाला कॉन्सेप्ट है अप्लाई कर लोगे आराम से ठीक है अभी अगर आप सोचोगे थ्री थ्री सीमा ट्रॉफी रेक्शन में क्या होता था तो ठीक है नहीं आएगा याद कि कैसे करते थे कैसे अप्रोच होती थी बट जैसे आपको क्वेश्चन दूंगी अगर वैसा रिएक्ट लागे दूंगी आप कई लोगे कि ठीक ऐसे वन टू थ्री करके कट करना होता है वन वाला बोर्ड ब्रेक करेंगे थ्री थ्री वाला बना देंगे वन टू बीच में पाई बोर्ड लगा देंगे ऐसा आप कई लोगे आपको आती हैं चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो भूलने वाली चीज़ है ही नहीं आप जैसे रिवाइज करेंगे वापस से रिफ्रेश हो जाएगा एग्जाम के टाइम में भी हेल्प करेगा और वैसे भी ठीक है तो आपको ना सिर्फ अभी इतना काम करना है जिन भी स्टूडेंट्स को ये वाली प्रॉब्लम फेस हो रही है या फिर नहीं हो रही अगर आप वीडियो देख रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ तो भूलने वाला पंगा चल रहा है है ना आपको सिर्फ इतना करना है देखो जितना भी टाइम बचा है ना उससे आप सिर्फ एक काम करना लास्ट के थ्री टू फोर डेज तो एकदम लीव कर दो कि इसमें तो ये तो हमारे स्कैड्यूल का पार्ट ही नहीं है इसमें तो हमें वापस से पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करनी है इससे पहले जितना भी टाइम बचा है ना उसमें आपको करनी है अच्छे से रिविजन अब रिविजन कैसे करेंगे इस वाले टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक करते हैं जब रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे तो पहले इजी चैप्टर्स उठाएंगे ठीक है तो अभी भी इजी चैप्टर्स उठा रहे हैं लास्ट में जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं वहां तक आप पहुंचेंगे तो हो सकता है उनको रिवाइज ना कर पाए क्योंकि जब तक आप वहां तक पहुंच रहे हैं आपको लगेगा मैं इजी चैप्टर्स तो भूल गया वो वाले जो मैंने रिवाइज़ किए थे तो आपको ऐसा नहीं करना आप एक काम कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है आप कुछ टाइम से रिविजन कर रहे हैं कुछ चैप्टर्स आपने रिवाइज कर लिए हैं तो आप एक काम करेंगे तीन कॉलम बनाने हैं आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल ठीक है अब ना इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चैप्टर्स के नाम लिखने हैं जो चैप्टर आपको लेट्स फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट लगता है ना जो आपने किया है जो नहीं किया उसकी टेंशन तो एकदम बंद कर दो अब नहीं किया तो कोई बात नहीं लास्ट के टेन डेज में आप कुछ नहीं उखाड़ सकते जितना होना था वो हो गया है अभी आपको सिर्फ रिविजन करनी है ठीक है जितना किया है उसको अच्छे से करना है तो बस आप एक काम करेंगे जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनमें से आपको सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो भी लगता है उसको सबसे टॉप पर रखेंगे फिर नीचे लेट से आपको क्वांटम केमिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट लगता है फिजिकल में सबसे ऊपर क्वांटम देन लेट से थर्मोडाइनमिक्स देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर ऐसा कुछ है आपको ऐसे ऑर्डर बनाना है ठीक है ऐसे आप ऑर्गेनिक में भी करेंगे लेट से पेरिसाइकलिक डिफिकल्ट लगता है पेरिसाइकलिक फिर लेट से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे करके आपको आना है मान लो जी पसंद है सबसे ईजी लगती है सबसे लास्ट में रखो उसको ठीक है ऐसे आपको इनऑर्गेनिक में भी करना है लेट्स से आपको इस टाइम पे आ, आप आप सोच रहे हैं कि बाय ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट लगता है उसको आपने टॉप पे रखा देन कोऑर्डिनेशन देन ओएमसी ऐसे करके रखा है तो अब ना बात ये देखो जैसे बायो बायोमोलिक्यूज़ है या फिर बायो इनऑर्गैनिक है इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है तो ये तो आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ना ही है तो इन चैप्टर्स को अभी आप रिवाइज़ करना अवॉइड करो हाँ अगर बहुत टाइम से नहीं किया तो एक बार देख लो लेकिन अगर सोचने की अभी एग्जाम दिया था या टेस्ट दिया था इसका तो किया हुआ है तो फिर उसको छोड़ दो ठीक है अब आप यह करेंगे जितना टाइम बचा है लास्ट के फोर डेज छोड़ने के बाद जितना टाइम बचा है उसमें आपको इन चैप्टर्स की रिविशन इसी ऑर्डर में स्टार्ट करनी है जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लग रहा है उसको आप पहले रिवाइज करेंगे इसी वाले अगर आप छोड़ भी देंगे कोई बात नहीं क्योंकि जो लास्ट के फोर डेज हैं लेट से आपने ना एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं मान लेते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की के बात कर रहे हैं ठीक है आपको जियोसी एरोमेटिसिटी स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेजम रिएक्शन इंटरमीडिएट ईजी लगते हैं आप फंसते हैं जाके वहाँ पे पेरिसाइकिल हिट्रोसाइकली या फिर मानोर्गेनिक्स पेट्रोस्कोप इन सब में तो आपको ट्राई करना है कि जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना उसको आप दो बार रिवाइज कर ले एग्जाम से पहले तो एक बार तो उसको अभी रिवाइज़ करेंगे और एग्जाम में जाने से पहले भी आपको रिवाइज करना है जो लास्ट के फोर डेज है उनमें ठीक है तो आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी कि आप इजी चैप्टर्स को रिवाइज़ कर रहे हैं वो अगर आप लास्ट में एक बार भी करेंगे तो ठीक है इतना सफिशिएंट है ठीक है लेकिन जो डिफ़िकल्ट है उसको आपको एग्ज़ाम से पहले दो बार रिवाइज़ करना है तो अभी पहले उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे ऐसे धीरे धीरे करके ईजी चैप्टर्स जाएंगे ठीक है और लास्ट वाले टाइम पर ऐसा सबको लगता है कि हम भूल रहे हैं बट तो आप नहीं भूल रहे आप सिर्फ ट्राई करो बस बार बार रिवाइज़ करना है जितना टाइम बचा है उसमें अगर आप दो बार रिवाइज़ कर पाए ना सिलेबस को बहुत ज़्यादा है वो बहुत आराम से मतलब बहुत आराम से आप पेपर कर लेंगे ठीक है क्योंकि जितना तो टाइम कम बचा हुआ है इसमें दो बार रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट है इस साल केस में आपको ट्राई करना है, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको आप दो बार रिवाइज कर लें जो आपको ईजी लगता है कंपेरेटिवली उनको आप लीव कर दें उनको एक बार रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम से पहले तो भी सफिशियंट है ठीक है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ठीक है ईजी चैप्टर्स तो मुझे आते ही है टेंशन तो डिफिकल्ट वालों के ना जो आपको डिफिकल्ट लगता है ना तो ये सबकी लिस्ट अलग अलग होगी किसी को थर्मो बहुत ईजी लगता है बट वो कनेडा से फंस जाता है ठीक है तो जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है जो भी डिफिकल्ट लग रहा है उसको भी रिवाइज करना है ईजी चैप्टर्स को छोड़ देना है उनको सिर्फ एक बार रिवाइज करेंगे जितना टाइम बचा हुआ डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को दो बार रिवाइज़ करेंगे ठीक है अगर ऐसा करेंगे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट ही रहेंगे आप ठीक है और अब इतना रिवाइज करने के बाद तो आपको कॉन्फिडेंट रहना भी चाहिए एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंटली जाना है जैसा होगा अच्छा ही होगा लेकिन आपको अभी रिविजन पर फोकस करना है ठीक है ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं अभी कमेंट्स भी देखना अगर आप शेयर करना चाहें आप शेयर करना कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम फेस हो रही है बाकी अगर ऐसा कोई और भी इशू है ट्राई करना कमेंट सेक्शन में बताने का मैं ट्राई करूंगी आपको उसमें नेक्स्ट जो सीरीज में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कवर करने का अगर आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताने में कंफर्टेबल नहीं है कोई बात नहीं आप मुझे मेल कर देना आपकी पर्सनल डिटेल्स मैं ऑब्वियसली रिवील नहीं करूंगी आपकी लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पर ले दूंगी ठीक है जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं से डिस्कस कर लेंगे ऐसे आपको कुछ टिप्स मिल जाएंगी बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी ठीक है सो आई होप ये वाली सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आप अच्छे से रिवाइज करेंगे एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे और एग्जाम में इस बार अच्छा करके आएंगे ठीक है अभी के लिए सिर्फ इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हैप्पी लर्निंग